इस वक्त की एक खबर जो है वो नौशहरा के बॉर्डर से निकलकर सामने आ रही है कि नौशहरा बॉर्डर के नजदीकी आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट के नजदीकी एक व्यक्ति जो है वो घूम रहा था, जिसको आर्मी के जो मौके पर जवान था जिसकी तरफ से चैलेंज किया गया कि वो जो व्यक्ति है वो कोई जवाब दे, लेकिन किसी भी जवाब ना देने के बाद आर्मी के जवान की तरफ से उस पर गोली चलाई गई, जिसके नतीजे में ये व्यक्ति घायल हुआ और उसके फौरन बाद उसे मुतलका नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अब उसकी हालत जो है वो बेहतर बताई जा रही है, वो खतरे से बाहर है। लेकिन इस व्यक्ति पर गोली चलाई गई और इस पूरे मामले की अगर मैं आपको डिटेल्स बताना चाहूं कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम अनिल है, पुत्र भगवान दास इसके वालिद का नाम है, और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नौशहरा का ही रहने वाला है और मकामी लोगों की तरफ से इसी बीच इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ये व्यक्ति जहनी तौर पर माजूर है, यानी कि ये व्यक्ति जो है मेंटली अपसेट है और ये अक्सर गांव के इर्द गिर्द या फिर आगे पीछे बाजार में या दीगर कहीं जगहों पर घूमता फिरता रहता था। इसी बीच ये शख्स जो है घूमते फिरते फिरते लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक पहुंच गया, जिसके बाद आर्मी के जवान जो वहां मौके पर तैनात थे जिन्होंने इस व्यक्ति को देखा पहले चैलेंज किया कि ये व्यक्ति कोई जवाब दे, लेकिन किसी भी जवाब ना देने पर आर्मी के जवान की तरफ से इस पर फायरिंग की गई और इस गोली चलाने के बाद ये व्यक्ति घायल हुआ, जिसे अब अस्पताल में रखा गया है जहां ये जेरे इलाज है। मकामी लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है राजौरी पुंछ जिला में, जिस तरह की एक्टिविटीज हुई हैं और जो इस वक्त का सिनेरियो है उसको देखते हुए आर्मी ने पहले चैलेंज किया और अगर कोई भी होता तो आर्मी की तरफ से ये एक्शन किया जाता, लेकिन गौरतलब है कि पिछले कुछ अरसा से देखा ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजौरी और पुंछ जिला से इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। और अगर इससे कबल अगर बात की जाए तो राजौरी जिला के कंडी में भी एक इनकाउंटर चला जिस बीच 5 पैरा मिलिट्रीज के जवानों ने शहादत हासिल की और एक दहशत गर्द को भी फौज की तरफ से मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। उससे पहले अगर बात की जाए तो राजौरी से पूंछ जाने वाली एक अहम शाहरा जहां बाटा दुड़िये के मकाम पर फौजी गाड़ी पर घात लगाकर टेररिस्ट की तरफ से जो हमला किया गया है, उसके अलावा भी इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो निकल कर सामने आ रही है। डांगरी में जो इंसिडेंट हुआ और डांगरी में अब उसके बाद जिससे जो अफवाहें उड़ रही हैं कि अब कोई सस्पेक्ट देखा जा रहा है, किसी दिन कोई सस्पेक्ट देखा जा रहा है, फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैदी से फौज के दस्ते पुलिस के दस्ते अपने कामकाज में मसरूफ हैं, लेकिन इसी बीच अगर कोई सस्पेक्ट दिखता है तो फौज की तरफ से या फिर दीगर एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई तो की जाती ही है। लेकिन अगर इस वक्त की बड़ी खबर की बात की जाए जो स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है कि नौशहरा सेक्टर के बॉर्डर के नजदीकी आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट के पास जो है एक व्यक्ति मेंटली अनसोल्ड व्यक्ति जो है अनिल शर्मा बताया जा रहा है, जिसका नाम जिसके बाप का नाम भगवान दास है और जो आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक आसपास घूम रहा था और जो आर्मी की तरफ से उससे बात करने की कोशिश की गई उससे किसी भी तरह का उसने जवाब नहीं दिया और इस तरह की कुछ उल्टी सीधी हरकतें की, जिसको लेकर फौज के जो मौके पर जवान तैनात थे उन्होंने उस पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में ये शख्स घायल हुआ और अब ये जेरे इलाज है। लेकिन अब इसमें अच्छी बात यह है कि ये व्यक्ति मकामी ही नौशहरा का रहने वाला है और मकामी लोगों ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये व्यक्ति जो है ये जहनी तौर पर माजूर है और अक्सर नौशहरा के दीगर जगहों पर यह घूमता फिरता रहता है। लेकिन अब जो अच्छी खबर यह है कि ये व्यक्ति जो है बच गया है और अब इसका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल अगर मजीद कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आएंगी तो स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी।